आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है लक्ष्मण की। रामायण के अरण्य कांड के 18वें सर्ग में इसका वर्णन किया है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा नामक राक्षसी की नाक काट दी थी। पर क्या आपको पता है, रामायण में एक और ऐसी राक्षसी थी जिसके नाक और कान लक्ष्मण ने काटे थे। उस राक्षसी का नाम था अयोमुखी। इस अद्भुत कथा का वर्णन रामायण के अरण्य कांड के 69 सर्ग में आता है। उस समय माता सीता का हरण हो चुका था और श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए वन में भटक रहे थे। रास्ते में उन्होंने जटायु को देखा जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जटायु ने श्री राम को सभी बातें बताई और उनकी मृत्यु हो गई। तब श्री राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया और दोनों सीता की खोज में दक्षिण पश्चिम दिशा के वन में आगे बढ़े। तलवार, धनुष और बाण के साथ इश्कवाकु के घर की उन शाखाओं में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जो अब तक अज्ञात था, जो झाड़ियों, पेड़ों और विभिन्न प्रकार की लताओं से भरा हुआ था, जिस तक पहुंचना कठिन था। दोनों तरफ घने जंगल जो भयावह लग रहे थे, फिर भी दोनों पराक्रमी योद्धा उस विशाल और खतरनाक जंगल में आगे बढ़ते रहे। जनस्थान को पार करने और आगे 3 कोस की दूरी तय करने के बाद महान ऊर्जा से संपन्न वे दोनों भाई क्रौंच अरण्य नामक वन के घने जंगलों में घुस गए, जो बादलों के समूह के समान था और अपने कई चमकीले फूलों और जंगली हिरनों के झुंडों और पक्षियों के झुंडों के साथ मुस्कुराता हुआ रूप प्रस्तुत करता था। इस वन का अन्वेषण करने के पश्चात विदेह की राजकुमारी को पुनर्देखने के लिए उत्सुक कभी कभी उसके लुप्त होने पर विलाप करने के लिए रुकते हुए दोनों भाइयों ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की और 3 कोस की दूरी तय करके मतंग के आश्रम में पहुंचे। भयंकर पक्षियों और पक्षियों से भरे हुए तथा असंख्य वृक्षों और घने झाड़ियों से भरे हुए पूरे वन को छानने के पश्चात दशरथ के दोनों पुत्रों ने पर्वत में एक गुफा देखी जो पृथ्वी के नीचे के क्षेत्र के समान गहरी थी, जहां शाश्वत अंधकार व्याप्त था। तब उन दो नरसिंहों ने उस गुफा के पास पहुंचकर एक भयंकर रूप वाली विशालकाय महिला को देखा। वह रूप से भयभीत थी। अपने घृणित चेहरे, विशाल पेट, तीखे दांतों, विशाल कद और कर्कश आवाज के कारण कमजोर प्राणियों के लिए भय का विषय थी। यह राक्षसी क्रूर पक्षियों के मांस पर निर्वाह करती थी और अब राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने उनसे कहा, आओ हम साथ में समय बिताएं। तत्पश्चात उसने लक्ष्मण को, जो अपने भाई से पहले आया था, पकड़ लिया और कहा, मेरा नाम अयोमुखी है, हे वीर, आप मेरे स्वामी बने। आइए हम पर्वतों की चोटियों पर और नदियों की दीपों में सुखपूर्वक दीर्घायु जीवन व्यतीत करें। यह शब्द सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर अपनी तलवार खींची और उसके कान नाक काट डाले। उसके कान और नाक कट जाने पर वह भयानक राक्षसी
तेजी से भाग गई और जब वह अदृश्य हो गई तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण तेजी से आगे बढ़े और घने जंगल में प्रवेश कर गए। रामायण में अयोमुखी नामक राक्षसी के विषय में सिर्फ इतना ही वर्णन किया हुआ है, इसके बाद उसके विषय में कोई उल्लेख नहीं है।